नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोनम आर्ट में। आज हम सीखने वाले हैं स्वच्छता पर स्लोगन लिखना। सबसे पहले बेस की पुताई करते हैं जिस पर हमको लिखना है। हमने लिया है बर्जर का पीला बेस और पुताई करने वाले हैं बाटा ब्रश से। इससे पुताई जल्दी और आसानी से हो जाती है। दोस्तों, ब्रश से लिखना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने अगर शुरुआत की है तो थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आसान हो जाएगा। शुरुआत में सभी लोगों को मुश्किल होती है, फिर सब कुछ आसान होता जाता है। कट लेटर का अर्थ है अक्षर को काट काट कर बनाना। कट लेटर में सबसे महत्वपूर्ण है ब्रश को पकड़ना और घुमाना। अगर हम इन बातों को समझ लेते हैं तो कट लेटर राइटिंग आसान हो जाती है और हम आसानी से लिखना सीख सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर हर प्रकार के पेंटिंग से संबंधित वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जिनको आप देखकर सीख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट की आशा करते हैं। आप लोग हमारा सहयोग जरूर करेंगे और हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि जितनी भी जानकारी हम आप लोगों को दे सकते हैं उतनी जानकारी जरूर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हमारे बेस की पुताई हो गई है। अब हम लिखाई करने के लिए इस पर धागे से लाइन लगाएंगे। धागे को हम बेस के कलर को छोड़कर किसी भी कच्चे कलर में भिगो लेते हैं। धागे के एक छोर को हम अपने दाहिने हाथ की आखिरी अंगुली पर लपेट लेते हैं और दूसरी छोर को बाएं हाथ के अंगूठे और पहली अंगुली की सहायता से पकड़ते हैं तथा दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगुली की सहायता से धागे को पकड़कर छोड़ देते हैं। इस तरह लाइनें सीधी और आसानी से बन जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, लिखना शुरू करते हैं। वीडियो को म्यूजिक का आनंद लेते हुए देखते हैं और सीखते हैं।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।